तो गाइस मैंने इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन तब भी आप में से काफ़ी लोगों के डीएम्स आते हैं ना, आप मुझसे पूछते हो कि दी प्लीज़ हमें ये बताओ कि बीटीएस मेंबर्स का धर्म या हम कह लें कि रिलीजन क्या है। सो या आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, सो वीडियो को एंड तक देखना ओके। लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना एंड ऑल का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बीटीएस मेंबर्स ने क्या खुद से अनाउंस किया है अपने रिलीजन को लेके, उन्होंने बातें की है। सो या इनमें से जो कुछ मेंबर्स हैं उन्होंने इंटरव्यूज में बताया है, लेकिन कुछ मेंबर्स ने रिवील्ड नहीं किए हैं ओके। सो यहाँ पे बहुत से फैंस हैं जिन्होंने प्रूफ दिया हुआ है कि जो बीटीएस मेंबर्स है वो इस रिलीजन से हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी एक वजह ये भी है कि बीटीएस अपने रिलीजन को रिवील नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि सब एक जैसे ही हैं। सो गाइस जो जे होप है, तो फैन के अकॉर्डिंग जे होप का जो रिलीजन है वो है बुद्धिस्ट। एंड मैं आपको बता दूं, जो बीटीएस के लीडर यानी कि किम नामजून है, उन्होंने खुद से एक इंटरव्यू में बोले थे कि जो उनका रिलीजन है वो एथिस्ट है ओके। एंड बाकी मेंबर्स का जो अभी रिलीजन है उन्होंने खुद से कंफर्म नहीं किया, लेकिन फैंस ने काफ़ी प्रूफ के साथ इस बात का दावा किया है कि ये जो रिलीजस है ना, रिलीजन फैंस ने बताए हैं कि ये बीटीएस के यही रिलीजन है। एंड गाइस ऑब्वियसली हम जो आर्मीज़ हैं वो बीटीएस को इसलिए लव करते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उनके सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए नहीं कि उनके रिलीजन क्या है। सो जिमिन का जो रिलीजन है वो है क्रिश्चियन, एंड जो मिन युंगी यानी कि शुगा का रिलीजन है वो है एथिस्ट। ये जितने भी रिलीजन है ये फैंस के अकॉर्डिंग है ओके। फैंस ने बहुत ही छानबीन के बाद ये पता लगाया है कि बीटीएस मेंबर्स के ये रिलीजन है। बस मैंने आपको बता दिया है कि किम नामजून ने खुद से अपने रिलीजन को एक इंटरव्यू में बताए थे। सो जो जिन है, जिन का भी जो रिलीजन है ना वो क्रिश्चियन है। एंड ऑब्वियसली जो जंगकुक का रिलीजन है वो भी क्रिश्चियन है। आपको पता ही होगा कि साउथ कोरिया में ज़्यादातर क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट एंड ऑब्वियसली एथिस्ट रिलीजन ही होते हैं। एंड गाइज जो किम तहयोंग का रिलीजन है ना वो भी क्रिश्चियन है अकॉर्डिंग टू द फैंस। एंड आपने सुना होगा कि तहयोंग ने क्रिश्चियन रिलीजन के लिए सॉन्ग्स भी बनाए हैं। सो जो जे होप है बस इनका ही, एंड शुगा एंड जो किम नामजून है इन तीनों के रिलीजन अलग अलग है। बाकी जितने भी मेंबर्स है ज़्यादातर मेंबर्स का जो रिलीजन है फैंस के अकॉर्डिंग वो क्रिश्चियन ही है। एंड आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करना ओके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।